संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन बिजरे हमारे। समय सार गाथा 328, 29, 30 और 31 चार गाथाओं का ग्रुप है। उत्थान का के कलश में कहा था कि जो बेचारे लोग वस्तु स्वभाव के इस नियम को नहीं जानते हैं, ऐसे वो अज्ञानी लोग अपने उस अज्ञान भाव के कर्ता होते हैं। परद्रव्य का कर्ता तो न ज्ञानी और न अज्ञानी कोई नहीं होता। फिर हमको ये लगता है कि परद्रव्य को करने का विकल्प रूप राग तो ज्ञानियों को भी होता है और अज्ञानियों को भी होता है। ज्ञानियों को भी रहता है भाई व्यवस्था बढ़िया हो, ऐसा करो, मैं ऐसा कर दूँ, आप कहो तो मैं तैयार हूँ, ऐसे सब बातें करते देखे जाते हैं, अज्ञानी भी करते देखे जाते हैं। और तुम दोनों की प्रवृत्ति में हमको ऐसा भेद करना भी हमसे संभव नहीं है। और तुम एक को कहते हो कि वे करता है और दूसरे को कहते हो कि वे करता नहीं है, ये हमें स्पष्ट अन्याय भाषित होता है। तब आचार्य देव कहते हैं कि देखो, परद्रव्य का कर्ता तो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। अब जो करने के भाव रूप जो परिणाम हैं, उन रूप दोनों परिणमित होते हैं। तो यह परिणमति सा कर्ता, इस नियम के अनुसार दोनों को ही कर्ता कहते हैं, लेकिन वो ये वो चारित्र वाला नियम है, इसलिए उसकी चर्चा भी यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो करने में करता हूँ, ऐसा जो अज्ञान भाव है उसके कर्ता अज्ञानी हैं और ज्ञानी उसके कर्ता नहीं है। तो फिर लगता है फिर वो अन्याय के अन्याय तो हट गया, क्योंकि ज्ञानी के वो अज्ञान भाव है इसलिए वो उसके करता है, और ज्ञानी के वो अज्ञान भाव है ही नहीं, विकल्प है लेकिन अज्ञान भाव नहीं है। इसलिए जब जो है ही नहीं उसके हम कर्ता कह रहे हैं कि वे कर्ता नहीं है, तो इसमें ऐसी कौन सी गजब की बात है, इसमें तुम्हें क्या अटपटापन लगता है ऐसा। इसमें एक माँ और बेटी जा रही थी, बुढ़ी अम्मा थी, जवान बेटी थी, रास्ते में तो और उसके पास बोझा भी था गठरिया का, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ से एक घुड़सवार आया तो उन्होंने कहा, बेटा उसने कि ये मेरी गठरिया तू रख ले घोड़े पे, तो हम लोग चले जाएंगे और इस बच्ची को भी बैठा ले। अब मैं तो जिंदगी भर चली हूँ लेकिन अब ये बच्ची नहीं चली है, तो फिर धीरे धीरे मैं तेरे साथ चलूँगी तो मुझे गांव तक पहुँचा देना। तो उन्होंने कहा, अरे अम्मा जी बिल्कुल ठीक है। तो उसने सोचा इतनी बढ़िया लड़की मिल रही है दहेज सहित, पुटरी अपने सारी संपत्ति उस पुटरिया में थी, तो वो पुटरिया भी मिल रही है और लड़की भी। तो कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, जमाई राजा। क्या नाम है? जमाई राजा। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम तो बहुत बढ़िया है बेटा। और उसने लड़की को बैठाया और पोटली ऊपर रखी, थोड़ी देर तो धीरे धीरे चला और फिर जोर का उसने लगाया और भाग गया। अब वो माँ चिल्लाए लोगों से, क्या क्यों 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 चिल्लाई कि जमाई राजा बेटी को ले गया। तो सब कहेंगे पागल हो गई है, जमाई राजा नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा, इसमें रोने की बात क्या है, तो खुशी की बात है कि जमाई राजा बेटी को ले गया, इसमें रोने की क्या बात है। ऐसे ही कह रहे हैं भाई, उन्हें गजब क्या हो गया, जिसके वो अज्ञान भाव है उसको हम करता कह रहे, और जिसके वो अज्ञान भाव है ही नहीं उसको हम करता कह ही नहीं रहे। तो यदि हमको अज्ञान भाव होता और फिर करता कह नहीं कहते हम,
तो पक्षपात लगता है। लेकिन अब वो अंतर इस बात में नहीं कर पाता है, वो तो उस विकल्प को अज्ञान भाव समझता है। कौन सा विकल्प? करने का विकल्प। करने का विकल्प तो वो चारित्र का दोष है, वो करने संबंधी मान्यता वो मिथ्यात्व का दोष है। अब इस बात का जो हम अंतर जब नहीं समझ पाएंगे तो निरंतर हमको चौथे गुणस्थान की भूमिका को समझने समझाने में बहुत दिक्कत आएगी, हम नहीं समझ सकते। सबसे ज़्यादा कठिन यदि कोई सब्जेक्ट है जैन दर्शन में, जैन अध्यात्म में, तो चौथे गुणस्थान की भूमिका को समझना है। क्यों? क्योंकि उसका आचरण तो दिखता है कभी कभी बिल्कुल अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जैसा, जो बारीक बहुत बारीक अनंतानबंदी के अभाव से अंतर होता है वो बाहर नहीं झलकता है, बाहर जीवन में दिखाई नहीं देता है। और श्रद्धा होती है सिद्धों जैसी, कर्तृत्व का की मान्यता सिद्धों में के जैसे नहीं है पद्धव की, ऐसी ही सम्यक दृष्टि की भी नहीं है। और पद्रव्य के करने का विकल्प जैसा अज्ञानियों को आते हैं उसी सीमा तक ज्ञानियों को भी आते हैं। क्या कह रहे उसी सीमा तक? देखो किसी अज्ञानी भर मनुष्य को आज तक चक्रवर्ती से ज़्यादा बड़ा आदमी बनने का विकल्प आया क्या मनुष्य गति में? नहीं आया। चकभट और अज्ञानी को भी आता है। देखो आप समझिए ना, इतना अधिक परिक्रिया जोड़ने का भाव ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है, कहाँ ज़्यादा? 96,000 शादियाँ करने का भाव ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है। तो भाव विकल्प की जो उत्पत्ति है जिनके आधार पर हम देने गए, क्रिया भी ऐसी देखने में आती है दोनों की, वे भी उसी तरीके मजबूती से लड़ते हैं, एक दूसरे को कसर नहीं छोड़ते हैं। दो सम्यक दृष्टि भी लड़े तो दो भाई भाई लड़े, भाई भाई में क्या दम है? साधर्मी भाई लड़े तो कोई चिंता की बात होती है, भाई भाई तो लड़ने को ही पैदा हुए हैं, उनके तो जन्म में ये नींव में पड़ा है। क्यों? माँ बाप इकट्ठे, संपत्ति इकट्ठी, मकान इकट्ठा, एक रूमाल घर में है तो वो दोनों के बाप का, अब उसे आधा फाड़ फाड़ के ले, तो ये तो लड़ने को ही पैदा हुए हैं, उन्हें तो लड़ना ही है। किनारे नारे हो गए भाई भाई, उन्हें कौन सा गजब हो गया है? अनादिकाल से आज तक भाई भाई न्यारे होते आए हैं, ख्याल में आए ना, और न्यारे हुए भाई कभी एक होते हुए नहीं। अभी हमको चिंता तो इस बात की होना चाहिए कि पति पत्नी न्यारे न्यारे होने लग गए, ये नहीं हो। जो असली जुड़वा भाई हैं वे न्यारे न्यारे हों वो कोई गजब की बात नहीं है, लेकिन ये नकली बने हैं ना, पंचों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, कस्में खा खा के, शर्तें लगा लगा के, तय कर करके जो बने हैं, क्यों? अब ये अलग होने लग गए हैं, चिंता का विषय तो ये है। क्यों? ये हम कहते हैं कभी डाउनफॉल आया है, डाउनफॉल तो ये है। क्यों? आपको अरबटा लग रहा होगा मेरी बात, सच्ची बात है ये। उनका तो वो भाई भाई का जो कुछ होगा पुराना, एक साथ माँ बाप एक साथ हैं, सब हैं, बहनें एक साथ हैं, वो इकट्ठा होगा। आगे तो इकट्ठा एक नहीं है साझे का, ये पति पत्नी का तो आगे माल साझे का होने वाला है, बाल बच्चे भी साझे के होने वाले हैं। भाई भाई के बाल बच्चे तो साझे के नहीं होंगे, तो भविष्य का झगड़ा वहाँ तो खत्म है और यहाँ भविष्य का झगड़ा चालू है। किसकी चिंता करना बोलो, भविष्य की करना क्या अभी की? तो ये जो फर्क है दोनों में, आपका अनंतानबंदी कसाय का इतना बड़ा फर्क है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो अनंतानबंदी कसाय की जो प्रवृत्ति क्रिया में और भावों में देखने में आए,
वो अनंत अनंतानुबंधी कसाय बालों के नहीं दिखाई देती है। क्या कह रहे, एक आध के दिखाई देती है, जैसे रावण की दिखी थोड़ी सी, क्या उसने पर नारी पे हाथ डाला, आगे कुछ किया, लेकिन बाकी के ये सारे मिथ्या दृष्टि सज्जन धर्मात्मा ही बने हैं कि गवर्नमेंट के डर से, कोई समाज के डर से, हैं कोई और कभी मैं कि दूसरे की एक आँख फोड़ूंगा तो मेरी दोनों बच बचने देगा क्या, इन भय से। जो अनंतानुबंधी के कसाय के उदय में जो महापाप होते हैं वो तो नहीं हो पाते हैं, उनके क्यों हो गए, चक्रवर्तियों के क्यों हो जाते हैं इतने ज़्यादा, अनंतानुबंधी नहीं है तो भी किसी का डर नहीं है। अब सोचो कि रावण एक सीता जी को हर के ले आया और अपने घर में रखा और नौकर चाकरों को ऑर्डर दे दिया सारी सेवा करना है इनकी, कोई एक चीज नहीं बोल सका, और कोई ले आके देखो तुम अपने घर में रख के बता दो, कोई माई लग के लाल में हिम्मत हो इतनी तो हाथ उठा दे कि किसी पराई महिला को जबरदस्ती उठा के ले आए और अपने घर में रख ले, हैं क्यों, तो सबको ऑर्डर दे देगा इसकी सबसे बढ़िया व्यवस्था रखना है। तो अनुदान बंदी के सारे के जो काम है वो कहाँ देखने में आ सकते, समाज के डर से, राज्य के डर से हम सब सज्जनोत्तम बने हुए हैं। धर्म के दक्षिण किताब में मैंने लिखा है आश्रव धर्म में, आर्जव धर्म में, कि हमारे मन में जितनी गंदगी है वो गंदगी यदि भाषा में आ जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए, और जीवन में आ जाए तो प्रलय हो जाए। एक एक के मन में इतनी अधिक गंदगी है, मैंने उसमें ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसी कौन माँ बहन है कुरूप से कुरूप, सुंदर नहीं कि जिसे देखकर किसी ना किसी नालायक के हृदय में उसके लक्ष्य से खोटा भाव नहीं आया हो, वो एक नहीं मिलेगी। और यदि वो उसका भाव वाणी में आ जाता और क्रिया में आ जाता तो किस माँ बहन की इज्जत सुरक्षित थी बताओ। और दूसरा, ऐसा कौन व्यक्ति अजात शत्रु है इस जगत में कि जिसे मारने का भाव किसी ना किसी को आज तक नहीं आया होगा, ना सही मारने का, ये तो आई होगा कि मर जाए तो अच्छा है, फिर तक कटे क्यों। तो इसका एक भी आदमी ऐसा नहीं है, यदि उनका भाव वाणी में आ जाता और क्रिया में आ जाता तो कौन जिंदा बचता बताओ। यानी मन में कितना अनंत गुणा पाप है और उतना वाणी में नहीं है और क्रिया में भी नहीं है, और वो शक्तिशालियों के हो सकता है, और सर्वशक्तिशाली तो एकाध ही होगा ना, जैसे चक्रवर्ती छह खंड में एक ही तो होगा, इंद्रों में है तो इतने लाखों करोड़ों जो देव हैं उनमें एक ही तो इंद्र होगा ना, है शक्तिशाली तो एक ही होता है ना, बाकी तो सब मतलब किसी ना किसी का भय उनके अंदर विद्यमान रहता है, तो वैसे ही लोग होते हैं ना, इसलिए नहीं आता है। इसलिए जो अनंतानुबंधी का पाप का कार्य जनता की समझ में आना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता, इसलिए अज्ञानी का जीवन और ज्ञानी के जीवन में बाहर से स्वस्थ गुणस्थान वाले के कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, पर हमें तो बहुत देखना है, हमें तो एकदम जमीन आसमान का अंतर देखना है, और अंतर दृष्टि है नहीं, अंतर को देखने की शक्ति है नहीं प्रकट पर्याय में, पर अंतर बहुत देखना है, तो सात तकियों में देखते हैं और हो उसमें दर्शन, थोड़ा मुश्किल आ गया तो गया।
यानी बाहर की व्यर्थ की प्रवृत्तियों में जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये नकली संबंध इसी खड़े होते हैं ना, एक एक बात में पकड़ते, ये कोई लक्षण नहीं है, ये संबंध असल के लक्षण है ही नहीं, बल्कि ये तो कुलक्षण है, क्योंकि वो है नहीं और जबरदस्ती लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं संबंध स्थिति धर्म आत्मा हूं। मैं शायद एक आध यहां बताया था, बहुत समय पहले की बात है, इधर कोटा के पास में एक गांव है जयथल करके, जयथल कुरुक्षेत्र रहा होगा कभी, कोई राजा वहां जीता होगा तो उस गांव का नाम पड़ गया जयस्थल, और जयस्थल से जयथल। तो वहाँ एक भाई रहते धर्मचंद जी करके हैं, अभी भी होंगे, तो उनको सत्यक विधान कराने का भाव आया और मुझे युगल जी को, बाबू भाई को, सबको ले जाने का भाव आया, तो उन्हें खूब मेहनत कर करके सबको इकट्ठा किया, और वो बहुत भद्र प्रकृति के हैं, तो इस वजह से सब लोगों ने उन्हें मंजूरी भी दी और हम सब लोग पहुँचे। वहाँ एक बहन के बारे में बहुत प्रसिद्ध था कि वो समय दर्शन हो गया उसे क्या, और ये भी प्रसिद्ध था कि उसके समय दर्शन की परीक्षा युगल जी ने कर ली है और उसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि तुम समय दर्शन, और हम सब तीनों वहाँ मौजूद थे, वो बहन भी आई, उसका पति भी आया, अब वो सब बैठे, वो चाहती थी कि हम सब लोग बैठे और वो अपनी सब बात हो गए, और उसको वो मैंने बैठे बातचीत कर रहे थे, तो उसका पति बराबर बोल रहा था, वो तो घूंघट में थी समझे ना, तो वो तो इतना लंबा घूंघट डाले बैठी थी, पर पति बोला मेरी पत्नी को तो जब से समय दर्शन हुआ है तब से सारी गृहस्थी गड़बड़ा गई है, वो तो लोटा लेके लेटरन बाहर जाना पड़ता था, उस जमाने की बात है, कम से कम 45 बरस हुए होंगे, 45 नहीं तो 40 से तो कम हुए नहीं, जो घटना बता रहा हूँ अभी जी, तो वो जाती है पर एकदम आत्मा में चली जाती है तो हाथ में से लोटा गिर जाता है, चूल्हे पे रोटी जल जाती है, मैं ऊपर तो रख देती है, फिर बस अंदर में चली जाती है तो जल जाती है, ऐसे ऐसे बहुत बहुत महिमा उस समय दर्शन की बता रहा था, और युगल जी मैं और बाबू भाई सब सुन रहे थे, और 10-20 आदमी मुमुक्षु थे जो उस वक्त के प्रसिद्ध मुमुक्षु थे, जवाहरलाल जी विद्या वाले जो भी थे वो सब लोग थे, ऐसे बहुत लोग थे, बस कोई कुछ नहीं बोला, सन्नाटा छा रहा, वो बोले जाए। तो मैंने उससे कहा, मैंने भाई ऐसा होता है कि हाँ, तो ऐसा करो तुम कोई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, न्यूरोलॉजिस्ट समझते हो नसों की डॉक्टर, नसों का डॉक्टर, कि कुछ नसों में गड़बड़ हुई है, उससे जो हाथ के ढीला पड़ जाता है और वो लोटा गिर जाता है, समय दर्शन से तो लोटा गिरती नहीं है, समय दर्शन से तो चक्रवर्ती का कितना व्यवस्थित जीवन होता है, तो एक एक चक्कर चल रहा है, कोई हथियार तो कभी चूकता नहीं है उसका निशाना, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, आज तक किसी सम्मान दृष्टि को कि हाथ से लोटा गिरे हों ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं आता। तो दो जो जने बैठे थे और उन्हें कहते हैं ये बकबक कर रहा है, ये तो दोनों बैठे हैं शांति से, अब ये तो सज्जनोत्तम लोग थे ना जैसे बात है कि ये लक्षण नहीं है समय दर्शन के, ऐसा नहीं होता जो तुम बता रहे हो, रोटी जल जाए ऐसा, एक रोटी नहीं जलती है समय दृष्टि महिलाओं की, उसका जीवन तो अव्यवस्थित जीवन तो मिथ्या दृष्टियों का होता है, समय दृष्टियों का जीवन तो बहुत व्यवस्थित होता है, आप समझ रहे ना, इसलिए ये बात नहीं है। तो वो महिला घूंघट में से बोली, क्यों साहब एक प्रश्न है कि कोई मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि को पहचान सकता है कि नहीं, समझ में आई क्या कह रही थी वो, कि तुम मिथ्या दृष्टि लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं क्या करूं क्या
मैंने कहा भाऊ भाई बोलो, त्रिवेदी साहब जवाब दो क्या कह रही है। आप बोलो जवाब दो। मैंने कहा बहन मैं तो कोई बोलने वाला कहाँ थे, सज्जन तो पुरुष ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैंने कहा बहन एक प्रश्न मेरा भी है कि किसी समय दृष्टि को मिथ्या दृष्टियों के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्यों सर्टिफिकेट लेने आई हमारे पास। बिल जी आपने हमने सुना सर्टिफिकेट दिया है, उसके सामने ही कहा। बोलो क्या क्या देखा आपने, आप बताओ हमें। बिल जी बोले मैंने कुछ नहीं कहा, इस बहन ने आकर के कहा ऐसा 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 सब बता कर बताया मुझे। तो मैंने तो ये कहा था कि बहन जैसे तुम विकल्प बता रही हो ऐसे विकल्प ज्ञानियों के तो होते नहीं हैं, फिर भी तुम कहती हो कि मुझे सम्मा दर्शन हो गया है, तो ठीक है हो गया होगा, लेकिन मैं सबसे बड़ा मैं आपको वो अधिकारी समझता हूँ कि तुम किसी को सम्मा दर्शन हो गया हो तो सबसे पहले बधाई मैं दूँ। तुम्हें हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है ही नहीं, कोई कुछ कोई कैंसर तो हुआ नहीं है, है? लेकिन ये तो तुम्हारे विकल्प हैं, ये सम्मा दृष्टि की भूमिका जैसे नहीं है। ये कहा था कि मैंने स्पष्ट उसके सामने ही कहा, अब इतना जरूर कह दिया हो गया है तो ठीक है भाई, उसमें से हो गया सर्टिफिकेट हो गया, वो सारे देश में हल्ला गुल्ला हो गया। वो दिन है कि आज दिन बहुत दिनों तक वो महिला मुझे 20 वर्ष तक दिखी नहीं कहीं, गधे के सिर के सिंह जैसी गायब हुई। फिर एक दफा हमारा इंदौर में शिविर था, वो शांतिनाथ धर्मशाला है ना, क्या नाम मांगलिक भवन दीदवारिया में, उसमें था, उसमें आई वो महिला। और फिर उसने तब चर्चा करी, बोले पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कभी नहीं नहीं मैंने कभी ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि मैं वो ही हूँ। अच्छा अच्छा उन्हें ठीक, फिर मुझे पता नहीं कभी क्या कहनी रही। तो ऐसा ही कुछ है, अभी हमको इतना पता नहीं है आधे से ज़्यादा सम्यक दृष्टियों को जो अपने को घोषित करते हैं मानते हैं, कि उस सम्यक दृष्टि के विकल्प कैसे होते हैं, भूमिका में भाव कैसे होते हैं, कौन सी नीची सीमा तक भाव पाप भाव भी किस सीमा तक हो सकते हैं और पुण्य भाव किस सीमा तक हो सकते हैं, कर्तृत्व का विकल्प किस सीमा तक हो सकता है, ये सब किसी को पता नहीं है। उसी वजह से वो मेरा भाव बना था कि मैं एक ऐसी कोई कहानी लिखूं, एक उपन्यास लिखने का भाव बना था कि जिसमें सम्यक दृष्टि का जीवन के हर एंगल का लास्ट पॉइंट तक वो पहुंचाऊं। ख्याल नहीं ना। देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ा नमूना, तो आपको अंदाजा लगेगा कि मेरे विद्यार्थी बैठे हैं ना, भविष्य में एक कोई लिख देगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा तो हैं। दो भूत बलि पुरुषदंत हुए थे, उनने इतने शास्त्र बना दिए थे, ये तो 700 से ज़्यादा हो गए, कोई ना कोई बना देगा। देखो पवनज जय अंजना को देखकर बेहोश हो गए, इतनी तीव्र मतलब समझ लो कि महिला पर मोहित हो जाना, तो भी उस वक्त सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थी। यदि हो तो क्या दिक्कत है और नहीं हो तो क्या दिक्कत है। उनके सम्यक दर्शन की निशानी कोई उस वक्त उनके पास थी कि नहीं थी, कैसे जाने के जो सम्यक दृष्टि है। आज कोई आय का कोई सम्यक दृष्टि ऐसा बेहोश हो जाए किसी को देख के, और फिर वो कहेगा रोटी बाद में और खाना पहले, शादी मेरी इसके करूँगा, तो उसे आप सम्यक दृष्टि मानोगे। बोलो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि नहीं मानोगे ना, तो फिर आप अपने जय को भी घोषित कर दो मिथ्या दृष्टि, कर ही दिया और क्या, कैसे किया जाता है। जब आप मानने को तैयार नहीं हो तो कर ही दिया ना, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं सम्यक दृष्टि से। महेंद्र कुमार जी कैसे ही, जब वो उन्हें छेटा डाले उनके माँ बाप ने, और जब उन्हें होश आया तो होश में आते ही ऐसा कहा कि मैं तो शादी करूँगा तो अंजना से, वो किसी से करूँगा नहीं।
खाना बाद में, पहले शादी, बस ये सम्म दर्शन की निशानी। इसमें सम्म दर्शन का रिश्ता हो गया, क्यों उसने कहा कि शादी करूंगा तो इसका इसका इससे। यदि उनको ये कहा जाता कि वो लड़की जिसको देख करके तुम मोहित हुए हो उसकी तो शादी हो गई है, तो एक सेकंड में विकल्प उनका टूट जाता, वे बात नहीं करते शादी की। यदि ये कह देते कि इसकी सगाई हो गई है तो अभी एक सेकंड में विकल्प टूट जाता, क्योंकि अन्याय का भोग नहीं होता है सम्यक दृष्टि के, और परस्त्री का जो विकल्प है वो अन्याय का विकल्प है। कुमारी कन्या के संदर्भ में विकल्प आना ये अन्याय का नहीं है। किसी भी आदमी कोई न किसी पर प्रेम होगा, मोहित होगा, उसे शादी करेगा, ये मर्यादा के भीतर, मर्यादा के बाहर का नहीं है। आप समझ में आए क्या क्या फर्क है? अब एक दूसरी देखिए कि वो साहब ये लड़की किसकी है, ये मंदिर में आई है, ये लड़का किसका है, बहुत होशियार है, अच्छा बोलता है, कहते कि साहब ये फला सेठ जी का लड़का है। अच्छा आप वो कहना नहीं, मुझे ज़रा उनका एड्रेस दे दो, पता बता दो। क्यों क्यों क्या करना, क्या क्या काम है आपको? कि मेरी पोती है, सुनना ज़रा, मैं लड़की भी नहीं कह रहा हूँ, पोती, जिसमें कि उसकी गंभीरता बनी रहे उदाहरण में, मैं बहन भी कह सकता था, लेकिन पोती है मेरी और मैं उसके साथ, उसके लड़के के साथ अपनी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बताऊँ कि साहब उसकी तो सगाई हो गई परसों ही, वो हुआ है क्या, कुछ करते हैं क्या, होता सबसे पहले क्या होता है, जो भी करते हैं ने? आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। तो एक सेकंड में उसका विकल्प टूट जाना चाहिए। वो कहता है कि हो गई होगी, तुम तो मुझे कुंडली ला दो उसकी। कहता हो गई सगाई, तो तारीख शादी की नक्की हो गई, फला तारीख को शादी होगी, अब तुम उसकी कुंडली लेके क्या करोगे? कि तुम्हें क्या करना, हो गई होगी, क्या फर्क पड़ता है, कितना दे रहा है वो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़? मैं 10 करोड़ दूंगा। अरे सब हुई हुई शादियां टूट जाती हैं, ये तुम सगाई करे फेरे पड़ जाते तो भी टूट जाती हैं, तुमको क्या करना है, समझे ना? ये शादी तो इससे मेरे लड़की की होगी हर कीमत पे, बस तुम तो मुझे बता दो। अब ये मिथ्या दृष्टि है बाबू चाचा, क्यों कि उसे परस्त्री के का भाव आ रहा है, अपने लिए नहीं पोते के लिए, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है, समझ गए ना आप? अन्याय, अनीति और अभक्ष, तीन चीज़ें सम्मय दृष्टि के नहीं होती हैं, वो तीन चीज़ें उसमें खो दो, आप जानते, आप खुद ही नहीं जानते कि अन्याय क्या है, अनीति क्या है, अभक्ष क्या है। ये अन्याय का भोग है क्या, कि दूसरे की सगाई तोड़वा देना, दूसरे की शादी तोड़वा देना, ये करवा देना, ये करना, ये करना, ये सब अन्याय का भोग है। उसका जीवन अनैतिक नहीं होता, उसका जीवन अन्याय में नहीं होता, और उसके जीवन में अभक्ष भक्षण नहीं होता। तीन चीजें यदि उसके जीवन में हैं तो गारंटी से सम्यक दृष्टि नहीं है।